क्या है, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? दीक्षा, ये बताओ कि तुम पटोगी कैसे? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, फिर भी तुम मान क्यों नहीं रही हो मेरी बात? 3 महीने में एग्जाम खत्म हो जाएंगे। आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू, मान जाओ ना, हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये मत सोचो कि मेरा तरीका पुराना है। अगर मेरे 3 गिनने तक तुमने ये गुलाब ले लिया तो मैं सोचूंगा तुम मान गई हो, नहीं तो आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। कौन थे वो लोग? I love you, अर्जुन। I love you। वो तुम्हें मारना क्यों चाह रहे थे? क्या चल रहा है ये सब? अर्जुन। I love you, अर्जुन। खा ले। थैंक्स भाई। ए, अबे बस कर। अच्छा ये बता, ये लड़कियां इतना सारा बकवास करती हैं, फिर भी हर साल फर्स्ट रैंक कैसे लाती हैं यार? अरे यार तुझे नहीं पता है भाई, इन लड़कियों का फंडा एकदम क्लियर होता है, ये किसी से इमोशनली कनेक्ट नहीं होती है, तुझे पता है? ये दीक्षा भी ऐसे ही है, क्या वो फर्स्ट रैंकर नहीं है? पिछले दिनों दूसरे नंबर पे थी वो, अब घमंड देख लो इसका। ऐसे लोगों को ना भगवान ही सबक सिखाते हैं, हमारे बस की बात नहीं है। दीक्षा नालायक कहीं का, कितनी बार बोला तुझे, मेरे बारे में बहुत मत किया कर, बहुत कमेंट पास कर देना, बहुत ही कहीं का, मार डालूंगी मैं तुझे, सच में मेरे हाथों मरेगा तू, समझा ना, अपना मुंह बंद रखा कर, फिर बोलेगा? हाँ बोलेगा फिर से? घुसा भाई इसके मुंह पे। क्यों भाई, किस सवाल का जवाब मांग रहे थे? ज्यादा बकबक करने का यही नतीजा होता है। ये अच्छी फोटो है, देखो। ये तो मानना पड़ेगा कि अपना अर्जुन बहुत लकी है यार। वो कैसे बताना? मतलब दीक्षा ने उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया, अब पता चलेगा कि अर्जुन कितना प्यार करता है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। सच में? मैंने उस दिन उससे कहा था अगर वो प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेगी तो उसे कॉलेज की ब्यूटी नहीं माना जाएगा। दीक्षा। अरे अरे भाई, मारो 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 इसे, मारो मारो मारो। हाँ नहीं आएगा, पिछवाड़ा लाएगा। अच्छा तुम्हारा, अच्छा तुम्हारा, मना किया था ना? हाँ मना किया।
किया ना मेरे बारे में बात करने के लिए, मना किया था ना। हाँ अब सही जगह लगी है ना। ए, तू ठीक तो है? तू ठीक है ना? क्या दुश्मनी है? तुम लोगों ने मेरी हर प्रॉपर्टी तोड़ डाली। क्यों? और कुछ भी तोड़ना है? नहीं, सब तो टूट गया है। ए, चल अंदर चल, अभी कॉल लगा के ना वापस जोड़ दूंगा। हेलो, अर्जुन का एक्सीडेंट हो गया है। व्हाट? ओह गॉड, बाइक भी मैंने सर्विसिंग के लिए दी है, अब क्या करूं? हेलो अर्जुन, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमने तुम्हारी लवर दीक्षा को किडनैप कर लिया है। hey, कौन है तू? क्या बात कर रहा है? अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें वो करना पड़ेगा जो हम कहते हैं, वरना उसके टुकड़े टुकड़े करके पेट्रोल डाल के चला देंगे। ये सच है या झूठ? मुझे एक बार दीक्षा से बात कर लेना चाहिए। क्या है? रूम में बहुत कॉकरोच है मैडम, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या रात के अंधेरे में जब लड़के तुमसे मिलने आते हैं तब तुम्हें डर नहीं लगता? जो यहाँ कर बोल रही हो कि कॉकरोच से डर लगता है, चलो जाओ और जाके अपना काम करो। दिमाग खराब कर दिया इसने। दिमाग खराब हो गया इस औरत का। मैडम क्या काम है बताओ। अर्जुन, दीक्षा है क्या? नहीं, रात में बोलकर गई थी कि कोई इमरजेंसी है, उसकी स्कूटी भी खड़ी है। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं मैडम, वो जब लौटे तो मुझे कॉल करने को बोले। ठीक है। क्या करूं अब मैं? पुलिस को इन्फॉर्म करूं क्या? कौन है तू? क्यों किडनैप किया उसे? अभी तक तो कुछ नहीं किया, लेकिन अगर तुमने पुलिस या मीडिया को इन्फॉर्म करने की कोशिश की तो हम उसके टुकड़े टुकड़े करके पेट्रोल। मेरी बात सुनो, जैसा कहोगे वैसा करूंगा। वेट करो, मेरी कॉल का वेट करो। हेलो हेलो। दीक्षा को बचा लीजिए भगवान। बम बम बोले जंबो जंकरा, बम बम बोले जंबो जंकरा, बम बम बोले जंबो जंकरा, बम बम बोले जंबो जंकरा। क्या बेटा, लगता है तुम मुसीबत में हो। मुसीबत और दर्द हमेशा के लिए नहीं होते। कई सवाल मुझे परेशान कर रहे हैं पर उनका जवाब मिल नहीं रहा है। हमारे जीवन में आने वाले
हर सवाल का जवाब अवश्य होता है, बस उसका पता लगाने की जरूरत होती है। अगर मुझे जवाब ना मिल पाए तो? जन्म का समय होता है और मृत्यु का भी समय होता है, समय से पहले कुछ नहीं होता है, इसीलिए तुम समय का इंतजार करो, सही समय आते ही तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। शंभो शंकरा, शंभो शंकरा, शंभो शंकरा।